नमस्ते बच्चों, मैं स्माइल से विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज है शनिवार यानी एक्टिविटी का दिन। तो आज हमने जो आपको प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या है, भाज्य यानी कंपोजिट संख्या जो बताई थी उसी संबंधित आज एक्टिविटी दी है। जैसा कि आपको यह दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर हमने 1 से 60 तक की गिनती लिखी है। तो बच्चों, हमने आपको अभाज्य संख्या यानी प्राइम संख्या बताई थी कि जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वह होती है अभाज्य यानी प्राइम संख्याएं, और जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह होती है भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ बता रखा है, एक तो सभी का होता है, लेकिन जैसे यहाँ 2 है तो 2 में केवल 2 ही गुणनखंड होते, 1 और 2। तो हमने उसके अंदर यानी कि हमारा अभाज्य यानी प्राइम नंबर है, तो इसको हमने लाल कलर से कलर किया है। 3, ये आपको पता करना है कि ये अभाज्य है या भाज्य संख्या है। 4 के भी आपको पता है 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी 1, 2 और 1 और खुद 4 नंबर। तो ये हमारा 3 हो गए। तो ये 2 से अधिक संख्या है, तो ये हमारी हुई भाज्य यानी कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार आपको यहाँ से 1 से 60 तक की गिनती तक आपको देखना है कि इनमें से कौन से अभाज्य संख्या है या कौन सी भाज्य संख्या, यानी कौन से प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर है। तो आपको उनके अनुसार यहाँ पर अभाज्य यानी प्राइम संख्याएं उसमें लाल कलर करना है जिसमें 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य कंपोजिट नंबर उसमें आप 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हरे कलर से करना है, और जो जो इनके गुणनखंड यानी कि जो प्राइम नंबर है उनके सामने वो गिनती लिखनी है जो जो प्राइम नंबर की है, और जो भाज्य यानी कंपोजिट संख्या इनमें से जो भी आपको हरे कलर में होंगे यानी कि कंपोजिट नंबर होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो समझाया है समझ में आया होगा, और आप मुझे करके भेजोगे।